नमस्कार, आप देख रहे हैं केटी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीपक नागिला। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बयान वीरों के बीच में इन दिनों गरुड़ गंगा आ गई है। संसद में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के सांसद अजय भट्ट ने गरुड़ गंगा के पानी और उसके पत्थरों का जो महिमा मंडन किया वह अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है। सदन में होम्योपैथिक संशोधन विधेयक पर बोलते हुए अजय भट्ट ने कहा था कि पहाड़ की गरुड़ गंगा के पत्थर को रगड़ कर उसका पानी पीने से महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इस बयान की चौतरफा निंदा तो हो ही रही है। अजय भट्ट के बयान को हास्यास्पद भी बताया जा रहा है। अजय भट्ट द्वारा सदन में इस तरह के बयान दिए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने उनके बयान पर एतराज जताया और उनकी मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे खुद अजय भट्ट की पत्नी से पूछेंगी कि क्या उनके बच्चे भी गरुड़ गंगा के पत्थर को रगड़ कर पानी पीने के बाद हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के बजाय इस तरह के बयान हास्यास्पद हैं। वहीं इंदिरा हृदयेश के अजय भट्ट के इस बयान पर प्रतिक्रिया देने के बाद अजय भट्ट ने सफाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जड़ी बूटी औषधियों और नुस्खों के बारे में उन्होंने संसद में जानकारी दी थी, न कि उनको इस्तेमाल करने के लिए लोगों से अपील की थी। ये इसको मैं कहता हूं कि उन्होंने पॉलिटिकल ले लिया और एक पॉलिटिकल ये ले लिया कि मेरी बात लोगों को, कुछ लोगों को लगा कि ये क्यों बोल रहा है, नहीं तो 20 दिन के बाद कहना, इसका मतलब उनको लग रहा कहीं ना कहीं। कोई भी जो इंडिया टुडे में छपवा सकते हैं, जो कहीं छपवा सकते हैं, तो कोई यहाँ से तो कोई छाप नहीं रहा है उसको। जो भी छाप रहा होगा कोई वहीं से छाप रहा होगा और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे फक्र है, मैंने अपने देश की, अपने प्रदेश की बात अपने देश के सामने, दुनिया के सामने बताया है। मेरे प्रदेश की ब्रांडिंग हुई है कि मेरे प्रदेश में ऐसी भी चीजें हैं। और जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो गलत सलत तरीके से पॉलिटिक्स के तौर पर इसे प्रयोग कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। मेरा आशय ये नहीं था। अपना ज्ञान बढ़ाएं और गरुड़ गंगा के बारे में जानें आखिर क्या है वहां पर, वहां जो लोग हैं उनसे पूछें। ये तो शोध का विषय है, मेरा विषय नहीं है। और मैं उन्होंने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष इस तरह का बयान दे रही हैं तो यह उनका बचकाना बयान है। अभी तक उनको गरुड़ गंगा के बारे में पता तक नहीं है। यही नहीं, उनके बयान को भी राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, जबकि उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश की ब्रांडिंग है, जबकि उनकी यह पूरी बातचीत शोध का विषय है। जो भी हो, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के सांसद अजय भट्ट अपने बयान को लेकर सोशल मीडिया में भी यूजर्स की ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। यूजर्स न सिर्फ अजय भट्ट के बयान को लेकर उनका मजाक बना रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड की पुरातन परंपराओं और किंवदंतियों को लेकर भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं।